हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे, और इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी जो हैं, इस पाठ में यह बताया है कि किस प्रकार से प्राचीन काल में अंधविश्वास हुआ करता था, और उन अंधविश्वासों में भी लोग जो हैं अनेक कार्य किया करते थे। इन्हीं बातों को इस पाठ के माध्यम से चित्रित किया गया है। बचपन में लेखक ने बहुत सारे अंधविश्वास देखे थे, और उन्हीं अंधविश्वासों में से एक विषय को उठाकर उन्होंने यह पाठ लिखा है। काले मेघा पानी दे नामक पाठ के लेखक जो हैं धर्मवीर भारती जी जी द्वारा रचित है। आषाढ़ के महीने में जब बारिश नहीं हुआ, तो किशोरावस्था वाले लड़कों ने एक टीम बनाया, और वह टोली जो है, उस टोली को लोग जो हैं, उन लड़कों की उस टोली को लोग जो हैं इंद्र सेना के नाम से जानते थे, तो कुछ जो है मेढक मंडली के नाम से जानते थे, क्योंकि वह सेना जो है घर घर जाकर पानी मांगती थी, और पानी के कमी होते हुए भी महिलाएं जो है सहेज कर रखा हुआ पानी जो है उन बच्चों के ऊपर, उस टोली के ऊपर डालते थे, और वो बच्चे जो है जब उनके ऊपर पानी डाला जाता था तो खूब उधम मचाते थे, खूब नाचते गाते थे। पानी डालने के बाद फिर कीचड़ में लेट लेट कर वह बालक जो है हाथ पैर बदन मुख पर सब पर मिट्टी लगा लगा कर नाचा करते थे। इनके इसी रूप को देखकर कुछ लोग जो इन्हें मेढक मंडली के नाम से जानते थे, या कुछ लोग जो है इन्हें मेढक मंडली का नाम दे दिया था। बारिश ना होने के कारण तालाब सूख जाते हैं, और आप यह भी जानते हैं कि घरों के कुओं में भी पानी नहीं रहता। ऐसे में पानी की कमी के कारण चारों तरफ कोहराम मच जाता था। बारिश ना होने के कारण लोग इसकी प्रार्थना करते हुए, अनेक अनेक प्रार्थना करते हुए पूजा पाठ भी करते हैं। पशु पक्षी प्यासे मरने लगते हैं। यदि इतने पर भी वर्षा नहीं होगी तो इंद्र सेना बादलों से पानी मांगने निकल पड़ती हैं। ऐसे में लेखक सोचता है कि जब पानी घर घर में इतनी कमी हो, तो महिलाएं इंद्र सेना पर पानी डालकर अपना अंधविश्वास ही प्रदर्शित करती है। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे घुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। अर्थात ये बात कहा गया, हे काले मेघा पानी दे, क्योंकि गगरी जो है फूट गया है बगैर पानी के, बैल प्यासे के प्यासे हैं, काले मेघा पानी दे। ऐसे बात जो है बात कहते हैं, और अंधविश्वास को ही यह दर्शाता है कि इंद्र सेना जो है पानी की कमी होने के बाद घर घर जाकर पानी मांगता है, और महिलाएं जो है उनके ऊपर पानी उड़ेलते जाते हैं। लेखक जो है आर्य समाजी होने के साथ ही सुकुमार सभा सुधार का उपमंत्री भी था, इसलिए उसमें समाज को सुधारने का जोश था। अंधविश्वासों के विरुद्ध उसके पास सबल तर्क थे। यह सभी रीति रिवाजों और पूजा अनुष्ठानों को अंधविश्वास मानता था। यह इन सबके पूर्णतः समाप्त होते देखना चाहता था। वह समाज में फैले दकियानुसी विचारों को, अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहता था। और लेखक की एक जीजी थी, और वह जीजी जो है उसके माँ की उम्र से भी बड़ी थी, और वह जीजी जो है लेखक से बहुत लाड प्यार करती थी, और अनेक बातों को जीजी जो है मान सम्मान देती थी। लेकिन लेखक जो है उनके अंधविश्वासों पर तर्क वितर्क करता था। लेखक भी सभी त्योहारों तथा पूजा अनुष्ठानों में उसकी मदद जरूर करता था, लेकिन लेखक जो है जीजी के तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाता था। लेखक ने जीजी के कहने पर भी इंद्र सेना पर पानी नहीं फेंका, क्योंकि जीजी के आग्रह के बाद भी लेखक न तो पानी फेंका, और ना ही जीजी के लड्डू मठ भी खाए, और कुछ समय तक जीजी से बात भी नहीं की। कहा जाता है जीजी के तर्क थे कि पानी की यह बर्बादी नहीं, पानी का अधैर्य है। आप जानते हैं, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो पानी या जल चढ़ाते हैं, जल अर्क देते हैं,
तो इस प्रकार से जीजी ने भाई कहा कि यह पानी की बर्बादी नहीं है बल्कि ईश्वर का आराधना है। कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होता है। दान को सबसे महान कहा गया है। दान के लिए त्याग करना अनिवार्य है। जी जी इस प्रकार से दो तर्क दिए। उसके बाद तीसरा तर्क उन्होंने यह भी दिया कि अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है। आप जानते हैं अगर एक व्यक्ति के पास 2 रुपया है और एक व्यक्ति के पास 50 रुपया है, लेकिन जो जिसके पास 2 रुपया है वो 2 रुपया दान में दे देता है और 50 रुपया है वो 40 रुपया दान में दे देता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दानी कौन कहलाएगा? जिसके पास 2 रुपया है। क्योंकि उसके पास रुपये भले कम हों लेकिन उसके दान करने की कर्तव्य निष्ठता जो है उसे सबसे बड़ा दानी बनाता है। उसी प्रकार से दीदी जो है तर्क देती हैं, हम पानी देकर बीज बोते हैं अर्थात वह पानी का बीज है, तब काले बादलों से पानी मांगते हैं, पहले खुद तो देवता तुम्हें चौगुना देगा और अब गुना करके लौटाएंगे। एक व्यक्ति का आचरण ही सब का आचरण बनता है। अर्थात यह भी बात कहा गया, लेखक दीदी के तर्क को चुपचाप सुनता है और सुनते हुए यह तर्क देने लगता है कि वास्तव में जीजी को कहना, जीजी को समझाना जो है ठीक नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।